खरगोन जिले में संविदा स्वास्थ्य कर्मी विगत 8 दिन से नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार 9वें दिन कर्मियों ने कोरोना योद्धा के प्रशस्ति पत्र की होली जलाकर प्रदेश सरकार से विरोध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में इन कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था और आंदोलन के 9 दिन बीतने के बाद भी सरकार द्वारा इन कर्मियों की सूद नहीं लेने की दशा में संविदा कर्मियों ने प्रशस्ति पत्र इकट्ठे किए और होली जलाकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। जैसे कि आज हमारी हड़ताल का 9वां दिन है, समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। आज जो हमने हड़ताल का 9वां दिन है, तो इसमें गवर्नमेंट ने जो कोरोना टाइम पे हम लोग को प्रशस्ति पत्र दिए थे, आज वो हमको सम्मानजनक नहीं लग रहे हैं। क्योंकि एक और तो वो हमको कोरोना योद्धा बोलती है और दूसरी और आज 9 दिन हो गए अभी तक हमारी और कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसे झूठे सम्मान का क्या फायदा। जो हमारे हक की लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, कम से कम वो हक हमें मिलना चाहिए। बस यही मैं सरकार से बोलूंगी कि जब तक वो अगर हाँ, आज हमने वो सारे जो हमें प्रशस्ति पत्र मिले थे, आज हमको उनका कोई महत्व नहीं नजर आ रहा था, इसलिए हमने वो जला दिए सारे। तो डॉक्टर शारदा मुकाती। संविदा कर्मचारी संघ का 9वां दिन है और हमारी एक ही मांग है कि नियमितीकरण किया जाए, लेकिन सरकार के रवैये को देखते हुए आज 9वें दिन भी उन्होंने हमसे ना कोई संपर्क किया ना किसी प्रकार की हमारी मांगों को सुनने की कोशिश करी। इसलिए जो कोरोना वेव चली थी और जिसमें हम लोगों ने हमारी जान की परवाह की, हमारे परिवार के लोगों की परवाह किए बगैर जो सेवा करी, उसके बदले में उन्होंने हमें कोरोना सम्मान से नवाजा था और इतने दिनों बाद भी सरकार की तरफ से ढीला रवैया दिख रहा है। इसके कारण हमको लगा कि वो जो कोरोना सम्मान दिया था वो झूठा है और वो एक मनगढ़ंत बातें बनाई थी हमारे लिए, इसीलिए हमने उस कोरोना सम्मान की आज होली जला दी और सारे जो हमको पत्र मिले थे उनके आज हमने होली जलाई और विरोध प्रदर्शन किया, आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।